Yes, good morning students. The revision module is in continuation. So we will study about acceleration. The acceleration हमारा क्या था? Change in velocity with respect to time. जब भी हमारी velocity में कुछ ना कुछ change होगा कि 5 सेकेंड में हमने 5 मीटर travel किया, next 5 सेकेंड में हमने 10 मीटर travel किया, next 5 सेकेंड में हमने 12 मीटर cover किया, तो यहाँ पे velocity हमारी क्या हो रही है? लगातार change हो रही है. तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी होगा ये हमारा होगा एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं. चेंज इन वेलोसिटी मीन्स इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी कुछ थी और जब हमने कुछ टाइम के बाद देखा तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कुछ थी. तो चेंज इन वेलोसिटी में हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे और फाइनल वेलोसिटी लेंगे. इनिशियल एंड फाइनल, तो हम दोनों को एक चीज से तो रिप्रेजेंट करेंगे नहीं. इनिशियली को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, फाइनल को रिप्रेजेंट करते हैं वी से. चेंज हम कैसे पता लगाएंगे? सपोज करिए शुरू में आपके पास थी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, उसके बाद 10 सेकेंड के बाद आपकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड. तो शुरू से लेकर अब तक कितना चेंज आया? 15 माइनस 5 मीन्स कितना चेंज आया? 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया. तो चेंज इन वेलोसिटी हम देंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद टाइम. सो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वी माइनस यू ओवर टी. अब हमारे पास 3 केस आते हैं, केस 1, केस 2, केस 3. इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है वो सेम है. फिर हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो u से ज़्यादा है. मतलब इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल ज़्यादा है, तो वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है. तीसरा केस हम कंसिडर करेंगे जब u हमारी v से ज़्यादा है. u हमारी v से ज़्यादा है, मतलब v हमारी फाइनल वेलोसिटी हमारी कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. अब यहाँ पे हम केस 1 कंसिडर करके चलते हैं. एक्सेलरेशन हमारी क्या है? v माइनस u अपॉन t. जब v और u दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? जीरो. मतलब अगर हमारी वेलोसिटी शुरू में जो है वही फाइनल है और बीच में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो मीन्स वेलोसिटी में जब कोई चेंज ही नहीं हुआ है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो. क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? जीरो. सेकेंड केस है हमारा, हमारी जो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. मतलब वी हमारी ज्यादा है. सपोज वी हमारी 10 है और यू हमारी कम है, तो हमने उसको 5 ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम हमने ले लिया 1 सेकेंड. 10 माइनस 5, 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5. यहाँ पर हमारा साइन कौन सा है? पॉजिटिव. तो जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारी आ रही है पॉजिटिव. जब हमारी वी डिक्रीज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इन दैट केस सपोज ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, सामने रश है या कोई भी ट्रैफिक है, तो वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? कम हो गई या जीरो हो गई, कुछ भी हुआ. तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमने मानी है 10 और फाइनल वेलोसिटी हमने सपोज करिए जीरो मान ली कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, तो क्या हुआ? यू हम वी की वैल्यू हम रखेंगे जीरो माइनस यू की वैल्यू हो गई 10 अपॉन टाइम हमने ले लिया 1 सेकेंड. तो ये हो गया माइनस 10. यहाँ पर देखिए जब हमारी फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी तो एक्सेलरेशन कैसी हो गई? नेगेटिव. नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं, दिस इज रिटार्डेशन. रिटार्डेशन इज वॉट? नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब इसमें फिर से एक्सेलरेशन में हम दो टर्म पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन. जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है किसी भी टर्म में, स्पीड में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, वो हम किसके अकॉर्डिंग बताते हैं? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म, जब चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल होगा विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पर एक लाइन और हम ऐड करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ मूव कर रहा है? इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. ठीक है, तो ये हो गया अब तक एक्सेलरेशन का. इसके बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले एक चीज होती है स्लोप, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट मॉड्यूल. और नेक्स्ट मॉड्यूल में खाली स्लोप के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे. सो तब तक आप लोग अपने ये सारे टॉपिक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना.